हेलो गाइस, वेलकम टू एलबीएस टीवी। गाइस, आज हम आपको एलआईसी की बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह आप नॉर्मल एलआईसी पॉलिसीज करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम एलआईसी की ये इन्वेस्टमेंट स्कीम उससे काफी अलग है। गाइस देखिए, जैसे आप बैंक एफडी में, पोस्ट ऑफिस एफडी में, एलआईसी स्कीम वगैरह में तो इन्वेस्ट करते हैं या आपके परिवार में लोग करते होंगे, तो यहाँ पर आपको 8% के आसपास के रिटर्न रेट ही मिल पाते हैं। अगर यहाँ पर आप अपना 1 लाख रुपया या 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते होते तो आपका पैसा लगभग 10 सालों में डबल हो पाता। अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते होते तो आपको 50,000 के 1 लाख रुपये बनते लगभग 10 सालों में। लेकिन गाइज, आज हम आपको एलआईसी की बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आप सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके अपने लिए 1,21,00,000 रुपये से भी ज्यादा का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। गाइज, हम बात करें एलआईसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। गाइज, आपने टीवी पर या मोबाइल पर तो सुना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। गाइज, आज की डेट में काफी अच्छा और लेटेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड पैसों को इन्वेस्ट करने का। गाइज, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, आप टीवी पर या मोबाइल पर सुनते रहते होंगे। गाइज, आज की डेट में काफी अच्छा और लेटेस्ट तरीका है पैसों को इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड, और आसानी से पैसा लगाकर पैसा बढ़ाने का। गाइज, आज की डेट में काफी सारे बैंक्स और कंपनियां अपनी अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम चला रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड्स, टाटा म्यूचुअल फंड, L&T म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड इत्यादि। गाइज, म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। आप और हम जैसे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी में जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपनी पूरी वेल ट्रेंड टीम के साथ अच्छे से रिसर्च करके म्यूचुअल फंड के पैसों को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और हमें अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल कर देते हैं। तो गाइज, आज हम एक आम आदमी, एक आम इन्वेस्टर होने के नाते किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए जो भी जरूरी जानकारी होनी चाहिए वो सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। और साथ ही वीडियो का लास्ट में हम आपको गूगल पर विद प्रूफ ऑनलाइन कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि यहाँ पर आपका पैसा कैसे बन पा रहा है। तो गाइज, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल नजर डालते हैं इस फंड की डिटेल्स पर। गाइज, इस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। गाइज, ये फंड सन 2017 को लॉन्च हुआ था, काफी पुराना ये फंड है। गाइज, इस फंड का जो साइज है 348 करोड़ रुपया है, यानी 348 करोड़ रुपया आप और हम जैसे इन्वेस्टर ने मिलके इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। काफी अच्छा और बड़ा फंड है, तब इतना सारा पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और गाइज, इस फंड का NAV है 37.51। गाइज, NAV होता है नेट एसेट वैल्यू, ये किसी म्यूचुअल फंड यूनिट का प्राइस होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस पर आपको म्यूचुअल फंड यूनिट अलॉट किए जाते हैं। अगर किसी म्यूचुअल फंड का NAV 100 है और वो 200 हो जाता है तो कहा जाएगा म्यूचुअल फंड का पैसा डबल हो चुका है। और गाइज, इस फंड का एक्सपेंस रेशो है 1.53%। एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट पर ली जाने वाली एक फीस होती है। और गाइज, इस फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट को, अपने पैसों को 12% से ज्यादा रिडीम करते हैं साल से पहले तो यहाँ पर आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होगा। अगर आप एक साल बाद अपने पैसे निकालते हैं तो यहाँ पर आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज नहीं देना होगा। अब गाइज, नजर डालते हैं इसके काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर टॉप स्टॉक्स होल्डिंग्स पर, यानी कौन कौन सी और कितनी मेन कंपनीज हैं जिनमें इस फंड का पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। हमें पता तो होना चाहिए कि हम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड का पैसा कहाँ कहाँ और किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो गाइस, टोटल 68 कंपनीज हैं जिनमें इस फंड का पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिनमें कुछ मेन कंपनीज हैं JTL इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर ऑयल, शक्ति पंप्स, ग्रोवर हाईटेक, भारत बिजली, KSB, किना मेटल, टेक्समको, अरविंद फैशन, KI इंडस्ट्रीज इत्यादि कुछ मेन कंपनीज जिनमें इस फंड का पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब गाइज, नजर डालते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसके पास एनालाइज रिटर्न्स पर, यानी साल दर साल इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को कितना पैसा कमा कर दिया है। तो गाइज, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स हैं, यानी पिछले एक साल के इसके रिटर्न्स हैं 56.44% के हैवी रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं लास्ट 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने। और पिछले 3 साल के रिटर्न्स पर डालें तो लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने 28.30% के हैवी रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, और लास्ट 5 ईयर्स में 31.43% के हैवी रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। और रिटर्न्स इस लोज, यानी जब से फंड बना है, इसका ऑल टाइम रिटर्न 19.93% के हैं। लगभग 20% के रिटर्न्स इस फंड ने निकाल कर दिए हैं जब से फंड बना है। तो गाइस, चलिए जिसका आपको इंतजार था, अब हम चलते हैं गूगल पर। यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि यहाँ पर आपका पैसा कैसे बनेगा। तो गाइस, सबसे पहले हम गूगल पर टाइप करते हैं SIP या लमसम कैलकुलेटर, तो काफी सारे कैलकुलेटर यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं गिरोह का कैलकुलेटर चूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, SIP और लमसम। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए तो आप यहाँ पर कम से कम 1,000 रुपये महीने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बैंक FD की तरह वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो आप लमसम चूज करेंगे। लमसम में आप कम से कम 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लमसम चूज कर दे रहा हूँ और इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो गाइज मैं यहाँ पर 50,000 रुपए फिल कर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। और गाइज देखिए इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कितने परसेंट के रिटर्न रेट आप मानकर चल रहे हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो गाइज जैसे कि आपको पता है इस म्यूचुअल फंड के ऑल टाइम रिटर्न 19.93% के हैं, लगभग 20% के हैं। तो मैं यहाँ पर 19% फिल कर सकता हूँ, लेकिन गाइज मैं यहाँ पर सिर्फ 17% के रिटर्न रेट मानकर चल रहा हूँ कि हो सकता है इस फंड की परफॉर्मेंस इन फ्यूचर कुछ इस तरह की ना रहे, कुछ कम भी रहे। तो मैं यहाँ पर 17% फिल कर दे रहा हूँ और इसके नीचे आ रहा है टाइम पीरियड कि आप कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। मैं आपको 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए, 35 सालों के लिए इत्यादि इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा और आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा जिससे आप अपने लिए अपना प्लान बना सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको 10 इयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 10 इयर्स में फिल कर दे रहा हूँ। तो गाइस देखिए 50,000 रुपया 17% रिटर्न रेट की दर से अगर 10 सालों तक हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न प्रॉफिट मिल सकेगा 1,90,341 रुपया। और इसमें हमारे 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को मिलाकर और प्रॉफिट को मिलाकर हमें यहाँ पर टोटल वैल्यू टोटल फंड 2,40,341 रुपए का एक बड़ा फंड मिल सकेगा। गाइज म्यूचुअल फंड में आप जितना लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक एफडी में, पोस्ट ऑफिस एफडी में, या नॉर्मल LIC पॉलिसी में, या आप जमीन वगैरह भी खरीद लेते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना लंबे टाइम के लिए बनाए रखेंगे आपको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो गाइस देखिए अगर मैं यहाँ पर 20 इयर्स तक अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर 50,000 रुपए लगाकर 11,55,280 रुपए का एक बड़ा फंड मिल सकेगा। और 30 इयर्स तक हम अपनी इन्वेस्टमेंट बनाए रहते हैं 30 सालों तक, तो 50,000 रुपए लगाकर हमें यहाँ पर टोटल फंड 55,53,233 रुपए का मिल सकेगा। और गाइस 5 साल अगर और कंटिन्यू करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, 5 साल और बढ़ा दें तो 35 साल में हमें यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा। तो गाइस देखिए 50,000 रुपया 17% रिटर्न रेट की दर से अगर 35 इयर्स तक हम इन्वेस्ट करके रखते हैं तो हमें यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न प्रॉफिट मिल सकेगा 1,21,25,174 रुपया। और इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 को मिलाकर और रिटर्न प्रॉफिट को मिलाकर हमें यहाँ पर टोटल वैल्यू टोटल फंड 1,21,75,174 रुपये का बड़ा फंड मिल सकेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिर्फ 50,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप 1,21,75,000 रुपए से भी ज्यादा का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। गाइस अगर आपको ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखा दिया है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी घटा बढ़ा सकते हैं और अपने टाइम पीरियड को भी घटा बढ़ाकर देख सकते हैं। गाइस इन्वेस्टमेंट में आप खुद से कुछ नहीं करते हैं, बस अपनी छोटी सी जमा रकम को इन्वेस्ट करते हैं और आपका टाइम लगता है और आपका पैसा लगता है और आपका पैसा आपको पैसा बना कर देता है। इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपए से कोई बिजनेस वगैरह करते होते हैं तो आपको उसमें खुद से काम करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती और टाइम भी लगाना पड़ता और पैसा भी लगाना पड़ता। इसके बाद भी क्या गारंटी थी कि आप इतना सारा पैसा बना सकते थे। गाइस काम तो करना ही है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट होती है, जिस तरह आप जमीन वगैरह खरीद कर रख लेते हैं या कोई FD वगैरह कर लेते हैं। गाइस म्यूचुअल फंड स्कीम काफी अच्छा और प्रॉफिटेबल तरीका है इन्वेस्ट करने का बाकी स्कीम के मुकाबले। साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं रिस्क मीटर के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड स्कीम काफी हाई रिस्क की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मिलने वाले रिटर्न शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको अपने पैसों पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही गाइज आप म्यूचुअल फंड में पूरी जानकारी और समझ के साथ ही इन्वेस्ट करें। सो गाइज अगर आप LIC की इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप LIC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप LIC ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप डीमैट अकाउंट के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के डेट में काफी सारे स्टॉक ब्रोकर के मोबाइल ट्रेडिंग ऐप मार्केट में मौजूद हैं, जैसे पेटीएम मनी स्टॉक ब्रोकर, एंजल वन, ग्रो, क्वेरा ऐप इत्यादि। यहाँ पर आप आसानी से ऐप डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मेरा अकाउंट पेटीएम मनी स्टॉक ब्रोकर के साथ है, जहाँ पर मुझे काफी अच्छी सर्विस एंड सपोर्ट मिलती है। इसके लिए बस आपको पेटीएम मनी ऐप को डाउनलोड करना होगा और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अपनी EKYC करके अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको पेटीएम के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना सीखना है
तो इसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इस वीडियो को देखकर आप पेटीएम मनी के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी कुछ बेसिक जानकारी इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। इसके बारे में आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या सजेशन है आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अप्रिशिएट योर टाइम।